आज पढ़ेंगे हम हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी बज रहे सुबह के कुछ 7 बज रहे हैं एंड अभी नहा के धो के अपन को निकलना है कॉलेज, बिकॉज मुझे आज जमा करनी है अपनी हिस्ट्री की असाइनमेंट। तो जाते हैं कॉलेज और आपको देते हैं कॉलेज का मस्त टूर अपना। सुबह सुबह उठ के बॉडी दिखा के यहाँ पे हो रही है बैग पैकिंग ऑफ द स्कूल है मेरी जान। यहाँ पे चौक से अपने सफेद जूते को साफ कर रहा है सफेद चौक से, और ये काफी अच्छा दिमाग है अपने आप में। मैंने अपनी स्कूल लाइफ में इतना दिमाग नहीं लगाया भाई कभी। वाह, मैं चमन प्रास है भाई। तेरा अपना कॉलेज मोतीराम बाबूराम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। तो भाई ये रहे हमारे निहित भाई, ये लड़ रहे हैं चुनाव कॉलेज का। किस पोस्ट का? सेक्रेटरी। सचिव। तो सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहे हैं निहित भाई सचिव का, और बहुत ही भारी मतों से वोटों से जीतेंगे। सभी ने ध्यान देना है, अपने जो दोस्त हैं जो भाई बहन हैं उनको सबको बोलना है, बहुत मेहनत की है 4 साल से, तो अब आपका टाइम है हमारे लिए कुछ करने का, ताकि हम कॉलेज में कुछ काम करा सकें। ये बताओ ना कि एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं हमारे? एग्जाम कैंसिल होंगे पक्का? हाँ, क्योंकि एक महीने पढ़ाई हुई है और एक महीने में एग्जाम कराना गलत है, क्योंकि बच्चों के साथ नाइंसाफी है, तो एग्जाम पीछे होंगे। तो हम पढ़े पढ़िए, तैयारी तो कीजिए। एग्जाम एक महीने बाद होंगे, लेकिन पढ़ाई तैयारी होंगे ये सामने हमारे हिस्ट्री के सर जा रहे हैं। हाँ, इनके बाल देखो भाई, जबरदस्त। हिस्ट्री असाइनमेंट डन हो गया। हैंड राइटिंग मस्त है यार, जबरदस्त। मेरा क्या है? कुछ नहीं मारा, हम बस 2 मिनट लगे। मेरा फोन नंबर लिख जाएगा भाई, फोन नंबर। फोन नंबर लिखना जरूरी थोड़ा है, बोल तो रहे थे यार। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना था, वो भी लिखना, फोन नंबर ही बोल लेते हैं। एक कर दूं। चलो भैया, अपना जो था प्रोजेक्ट बनाया आदित्य ने, पूरी हैंड राइटिंग आदित्य की है, बट ये हैंड राइटिंग मेरी है। क्या बात है भैया, मिल गया फैन है इनका, अब हो गया मतलब। आज ही देखी वीडियो और आज ही बिग फैन हो गया भाई। चलो भाई, अपन जा रहे हैं अपना प्रोजेक्ट जमा करने के लिए हिस्ट्री का, इतिहास विभाग। ऊपर से मेरा प्रोजेक्ट स्टेबल भी नहीं है भाई, ऐसे फेंकूंगा मैं। ले सर, लो लो ऐसे। सब्जेक्ट क्या है भाई आपके? सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। क्या नाम है? वो लगे से आ रहा है, ऐसे आ रहा हूँ होने से। मनीष, मेरी जगह पे चैन खड़ा है भाई, वेरी गुड। शायद ना वो अंदर पूछ भी रहे हैं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, इसमें मेरे कुछ नहीं पढ़ रहा भाई। वेरी गुड, जा चैन जा, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। ये सब दिव्यांश पांडे ब्लॉग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हिस्ट्री की क्लास से बच्चे आते हुए सामने से बाहर, वाह। Gracias.
तो गाइस ये पूरी है अपनी हिस्ट्री की क्लास और यहाँ पर जो टीचर है वो मैं हूँ तो मैं पढ़ाऊँ आज बच्चों को हटो यहाँ से काम से। अरे भाई साहब इतनी अमीरी कैसे भाई इतनी अमीरी भाई खेल और काम भाई साहब बहुत पैसा है बहुत पैसा नहीं पढ़ा आज पढ़ेंगे हम प्रमोशन हमने पढ़ लिया ये 1 मिलियन 1 मिलियन कराओ 1 मिलियन सुन तो गाइस हमारे 1 मिलियन बहुत जल्द होने वाले हैं लगेंगे कुछ 5-6 साल 5-6 साल बाद हमारे 1 मिलियन हो जाएंगे लेकिन उससे पहले ये बहुत जरूरी है पढ़ लिया सबने पढ़ लिया सबने पढ़ लिया आप बोलो हाँ हाउ इज जोश हाउ इज द जोश हाउ इज द जोश अरे यार मिटा दिया अरे सर आ रहे सर आ रहे और पढ़ाई अपनी जगह बढ़िया चलो भाई देखो कॉलेज में किससे बात कर रहा है वे थे अंकल आंटी देख लो आपका बेटा क्या कर रहा है कॉलेज में बैठा था यहाँ पे बैठता है यहाँ से उठ के वहाँ बैठा है वो देखो भाई गाइज़ ये पीछे मैम ना PhD कर रही हैं मतलब हमसे रिव्यू मांग रही है तो हमको इतनी मोटी गड्डी पकड़ा दी है और इसको भरना है हमको तो भर रहे हैं क्या करें भरते हैं है ना सपोर्ट करना चाहिए सबको क्यों करते फॉर्म भरते भाई क्या बबाल लिखा है इसमें यार वर्क का कुल वर्क कहाँ से हो गया भाई मैं जो समझ मारा टिक मार भाई मैं टिक 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 क्या ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे कहाँ टिक मारो क्योंकि पढ़ के मानना है इनको क्यों कार्रवाई भी आएगी वरना जेल आ जाएगी जेल होगी पागल है क्या अच्छा यस हमने सब में टिक मार दिया भाई अच्छा मैंने हर जगह टिक मार दिया हर जगह टिक मार दिया मैंने हाँ जी मैम हाँ अच्छा अच्छा ओके मैम डन 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 हमने सबको टिक मार दिया टिक 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 भाई देखो ऐसे करना है ऐसे ओह माय गॉडनेस ऐसे सारे क्रॉस मारने भाई तो गाइस मैंने मजे में टिक मार दिया और मैंने यहाँ पर टिक मार दिया भाई ये क्या आप अकारण अपने को पापी समझने लगे हैं और ये टिक मार दी मैंने हाँ वाह भाई वाह मैं रख दिया हो गया डन चलो भाई सारे हम टिक मार के आगे मस्त अपनी हिस्ट्री की क्लास से अब चलते भाई अपने काम सारे कंप्लीट हो गए अब जा रहे सीधा घर में चलते हैं और भाई भीड़ देखो कितनी भीड़ हो गई भाई साहब खतरनाक चले चलो भाई का देते भाई फिर मिलेंगे ठीक है थैंक यू यार थैंक यू ओके आज पार्टी करा रहा है चैन भाई चैन पिला रहा है हमको कोल्ड ड्रिंक और मोमोज डन है ना पक्का हो गया बाकी जो पार्टी अब मेरी होगी वो होगी 1 मिलियन का ठीक है डन हो गया धन्यवाद भैया बहुत बहुत ये आ चुके अपने शेजवान मोमोज मस्त वाले
looking so delicious. वेरी गुड यार, बहुत टेस्टी शानदार मोमोज है ये, लुकिंग सो डिलीशियस भाई साहब. 80 के चार है ये. क्या 80 रुपए के चार मोमोज? अब इसके पैसे कौन देगा? कौन देगा भाई, चैन देगा चैन. बाय. कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है भाई? और परिसंकट में कूड़ा काले डस्टबिन में ही डाल के कूड़ा वाहन को दे. मम्मी गेट खोल रही हैं. थैंक यू सो मच भाई. मैं गिरूंगा एक हाथ से, मैंने फोन पकड़ा एक हाथ पे स्कूटी है. अरे बार, टायर लग रहा है. अंकल एक बार फिर से बोलना, फिर से बोलना एक बार. अरे बार, गजब यार. अंकल दूर से आ रहे ऐसे देख रहे थे, स्टाइल मारते भारे भाई, गजब हो गया. अरे तो 50 साल की उम्र में भी क्या आवाज है. लास्ट में बोलना, फिर से बोलना एक बार. दूध बोलना. दूध आ गए, पापा आ गए. पापा आ गए. दूध. ये क्या बनकर आ रहा अभी? ये अंकल कह रहे 50 साल की उम्र में ये आवाज अंकल की, देख रहे हो आप? क्या कर रहे हो ये? अरे क्या है? चलो भैया, भगवान ने बात सुन ली, हमारी कूड़े वाली गाड़ी आ चुकी है फाइनली एक हफ्ते की हड़ताल के बाद. बढ़िया हो गया बिंदास. स्कूल से स्कूल है भगवान. स्कूल नहीं भाई, अब स्कूल के दिन गए. हंस करा भाई, सच बता दो लोगों को, आप इतनी बार फेल हुए क्या वो भी स्कूल में ही हो? बाकी कॉलेज से मैं करीब 2 बजे घर आया, फिर घर में मैंने खाना वाना खाया एंड देन फिर भाई मैं कुछ काम में बिजी हो चुका हूँ. अपने काम इन द सेंस मतलब एक प्लानिंग चल रही है आउटिंग की. आउटिंग इन द सेंस कोई घूमने की जगह नहीं है, वो है कुछ काम करने की जगह. तो हम नेक्स्ट व्लॉग में आप देख रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं, वो आप देखना अपने नेक्स्ट व्लॉग में. बाकी आज आपने देख लिया अपना कॉलेज, अपने कॉलेज का टूर देख लिया. अपने सस्ता कॉलेज है अपना, सरकारी कॉलेज है, सिंपल कॉलेज है. वहाँ पे जाके पढ़ाई होती नहीं है, पढ़ाई घर में होती है, वहाँ पे होती नेतागिरी. पढ़ाई करनी तो पढ़ाई करो घर में बैठ के, वहाँ जाओ एग्जाम देके आओ और 3 साल बाद अपनी बीए की डिग्री लेके आ जाओ. द बेस्ट पार्ट ऑफ द कॉलेज इज दैट देयर इज नो अटेंडेंस. तो वहाँ पे अटेंडेंस का लोचा नहीं है, वहाँ जाओ आप एग्जाम देके आओ, कोई मतलब नहीं कि आप जा रहे हो आ रहे हो. एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन आई गेट प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर माई व्लॉगिंग, फॉर माई स्टडीज, फॉर माई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. तो भाई ये कि कॉलेज अपना सही है, बिंदास कॉलेज है अपना, बढ़िया कॉलेज है. आपने देख लिया बीए, बीकॉम, बीएड और बायोटेक के डिपार्टमेंट्स अलग अलग, साथ में एनसीसी के बच्चे भी थे वहाँ पे एंड साथ साथ अपना और क्या था वहाँ पे, हाँ एक क्लास में हम गए थे हिस्ट्री की. तो सारे कॉलेज की क्लासेस जो है ना गाइस ऐसी है, सिंपल सिंपल एंड ब्यूटीफुल. ये पापा लाए अमरूद, ये अमरूद है कि बम का गोला है भाई, क्या ये इतना बड़ा अमरूद है? खा चुका है, उठ जा यहां से, हट जा. अरे इतने बड़े यार, जा ना यहां से मेरे. ये सुन, डाल डाल के तफला दिया इसको, निकल निकल निकल. दे नहीं, एक मिनट ना एक सेकंड. ये कौन सा सबसे बड़ा है? ये क्या बदतमीजी है मतलब तेरी? कौन सा सबसे बड़ा है? तीनों इक्वल है. दे ओम खा नहीं रहा मैं, इससे इसका चेहरा नाप रहा हूँ भाई. तेरे मुंह के बराबर है ऑलमोस्ट ही है ये. अरे नहीं खा रहा मैं, लो कैच. अरे भाई पापा के सर पे लग रही है मस्त वाली मेहंदी. मेहंदी नहीं है, कलर है ना ये? हाँ कलर. चुलबुल चुलबुल चुलबुल. आह रात का खाने में है रोटी दाल सब्जी रोटी, वाह. चलो भैया आज का दिन तो निकल गया ऐसे तैसे कैसे फैसे और अभी करते हैं व्लॉग को एंड, जाते हैं सोने के लिए. ओम जा चुका है सोने के लिए ऑलरेडी, तो बस अभी करते हैं व्लॉग को एंड. अगर आपको व्लॉग देख के मजा है, आपको चैनल पे स्माइल आई, आपने एंजॉय करा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं कल सुबह, टिल देन गुड बाय, गुड लक, टेक केयर ऑफ द बेस्ट एंड लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन. कल सुबह तैयार है ना, तब तक के लिए बाय बाय. एंड साथ में गाइस जो अपना सब्सक्राइबर था आदित्य, ऐसा नहीं कि उसने ही सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट बनाया है, मतलब बेसिकली हम दोनों ने मिलके वो काम करा है. जो मेरा काम था सिंगल, वो हम दोनों ने मिलके करा है, ये बात थी. तो हाँ बाकी कैसे भी करते हैं व्लॉग को एंड. कहीं आप लोग कहोगे कि भाई क्या यार सब्सक्राइबर से काम करा रहे हो, तो वो सही नहीं ना, तो इसलिए बाकी तो कैसे भी करते हैं व्लॉग को एंड. बाय बाय, मजा आ गया. No man, I go make it over your future. Only with you, I see the bigger picture.